को देखो, देखो ना इसे क्या हो गया। इस पेड़ को देखो, इसी ने हमारे प्यार को पना दी थी, अब ये गिर चुका है। जब ये गिरा तो मुझे महसूस हुआ कि कुदरत का इशारा है कि मेरा प्यार कभी वापस नहीं लौटेगा, मेरी जिंदगी में कभी बाहर नहीं आएगी, मेरा प्यार कभी परवान नहीं चलेगा। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि इसी दरख्त में फिर से बाहर आएगी, आएगी ना, कहो ना। तुम पर जो बीती है मैंने वो सब सुन लिया, अदा चाचा ने मुझे सब कुछ बता दिया। चलो मुझे यहां से ले चलो, मैं एक पल भी यहां नहीं रह सकती, मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूं, तुम एक पल भी मेरी नजरों से दूर मत जाना, मुझे अपने साथ हिंदुस्तान ले चलो। मगर तुम्हारी अम्मी और अब्बू, मैं उनके लिए मर चुकी हूं और वो मेरे लिए। खबरदार जो ऐसा कहा तो। तुम नहीं जानती बिन माँ बाप की औलाद कितनी तनाव होती है। एक रिफ्यूजी की जिंदगी जी सकोगे? मैं हमेशा से तुम्हारे सुख दुख की हिस्सेदारी चाहती रही हूँ, यहां तक के रेफ्यूजी की जिंदगी के भी। तो फिर ठीक है, अजी सुनते हो, गजब हो गया। अब क्या हुआ? हमारी नाजू उस कमबख्त रेफ्यूजी के साथ भाग गई। जहन्नुम में जाने दो उसे, कब की मर चुकी है मेरे लिए। गुस्सा गुस्सा गुस्सा, कभी तो सोच समझ कर बात किया करो, आखिर नाजो हमारी इकलौती औलाद है। तो क्या करूं, अपनी इज्जत की लाश लेकर किसके दरवाजे पर जाऊं कि इसे कफन पहना दो। देखो रेफ्यूजी को खतरों की आदत है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटी सलमा की अम्मी और अब्बू की तरह सरहद पर गोलियों का शिकार बन जाए। पुलिस के पास तो मैं जा नहीं सकता। एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है, मोहम्मद अशरफ। लगता है नहीं किसी ने खबर कर दी थी। चलो भाग चले। रुक जा नाजो, मैं तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। साहब कहाँ मिले दोनों? दोनों सरहद पार करने ही वाले थे कि हमने गिरफ्तार कर लिया। ले आओ। जी साहब। बड़े तेवर दिखा रहे हो शहजादे, तुम जानते हो जिस जगह पर तुम खड़े हो वहां तुम्हें खड़े होने का हक भी नहीं है। क्यों नहीं? क्या ये अल्लाह पाक की बनाई हुई धरती का हिस्सा नहीं है? तो तुम यही समझकर मुहाजिरों को उस पार से इस पार और इस पार से उस पार ले जाते रहे हो। भटकते हुए मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाना गुनाह है क्या? मतलब बड़ा नेक काम कर रहे हो, तो तुमने हत्यारों को भी मंजिल तक पहुंचाया होगा, दहशतगारों को भी रास्ता दिखाया होगा। क्यों? मैंने कभी किसी के अंदर झांक कर तो नहीं देखा इंसान अच्छा है या बुरा। सिर्फ इतना जानता हूं
कि खारे पानी में बना ये रास्ता अल्लाह मियां ने बनाया है तो आने जाने के लिए। मतलब तुम किसी कानून को नहीं पहचानते हैं, किसी शरत को नहीं पहचानते, हिंदुस्तान या पाकिस्तान को भी नहीं पहचानते। हिंदुस्तान पाकिस्तान होंगे साहब, मुझे कोई फर्क नहीं दिखाई देता। मतलब तुम समझते हो कि हिंदुस्तानियों में और पाकिस्तानियों में कोई फर्क नहीं? होगा साहब, पर मैं इसे समझ नहीं पाता। अब आप ही बताइए, मेरे अब्बू और चाचा साथ साथ रहते थे, दो भाई थे। चाचा इस तरफ आगे रहने के लिए तो भाई से पड़ोसी बन गए। रहने की जगह बदल जाने से भाई भाई नहीं रहता क्या? तुम जितने भोले बनते हो उतने हो नहीं। चंद रुपयों के लिए खुद की जान तो बार बार जोखिम में डालते रहते हो, लेकिन इस बेचारी जान का तो ख्याल किया होता, बस लेके चल दिए। ये जानते हुए कि रन में कदम कदम पर मौत खड़ी है। मोहब्बत में जाने अलग अलग कहां रह जाती हैं साहब, एक हो जाती हैं। नहीं, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसे अंदर ले जाकर बुलवाना होगा, ये अपने दोस्तों के नाम भी बताएगा और गिरोह का पता भी बताएगा। ये कोई गलत काम नहीं कर सकता, इसका कोई गिरोह नहीं। तुम तो खामोशी रहो तो अच्छा। खुदगर्जी और बेदर्दी की तस्वीर हो तुम, दूसरों के जज्बात का एहसास ही नहीं है तुम्हें, दूसरों के दर्द का ख्याल ही नहीं। ये भी नहीं सोचा कि माँ बाप पर क्या गुजरेगी, पल पल मरती रहेगी तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप उम्र भर इज्जत के लिए रोता रहेगा। मैं बेदर्द हूँ तो दर्दमंद कौन है? आज तक किसने मेरे दिल में झांक कर देखा है, अम्मी ने या अबू ने? प्यारी तो किया है मैंने, कौन सी कयामत ढाई है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि शादी के बगैर मोहब्बत गुनाह है। और मैं ये भी जानती हूँ कि मोहब्बत के बगैर शादी उससे भी बड़ा गुनाह है। तुम नाजनीन, तुम अपनी बेहयाई पर काबू रखो तो ही अच्छा है। तस्मिया, मैं नाजनीन को उसके घर ले जा रहा हूँ, इसके बाप से वादा किया था मैंने, फरियाद लेकर आए थे मेरे पास। आप रेफ्यूजी को ले जाकर सिपाहियों के हवाले कर दीजिए, वो सच उगलवाना खूब जानते हैं। ओके तो ले जा से। चलो नाजनीन, छोड़ दो इसे। नाजनीन, मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। नाजनीन छोड़ दो। नाजनीन चलो मेरे साथ। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। पहले ही आप लोगों ने इसके साथ काफी मारपीट कर ली, मुझसे वादा करो कि आप इसे सही सलामत हिंदुस्तान भेज देंगे, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अपनी जान दे सकती हूँ। चलो चलो ले जाओ इसे। फंस गया ना सुअर के बच्चे के माफिक, नहीं निकालो सुअर के बच्चे को बाहर। आहिस्ता आहिस्ता, आशिक का जनाजा है जरा प्यार से निकले। ओए छड़ दे छड़ दे छड़ दे, अरे तू यार है मेरा यार, ओए तू कमाल कीता, अरे तेरे नाल बहुत मोहब्बत है लाले, अरे अशरफ दी महबूबा नू ले उड़ा तू, मजा आ गया। नफरत कर
करता हूं मैं तेरे से, जानता है क्यों? ये हिंदुस्तानी खून है तेरे अंदर। हिंदुस्तानी खून को गाली देता है, मेरी धरती को गाली देता है, धरती को गाली देता है। तोड़ दो सारे कीटाणु, मारो, उठ, उठ कमीने, उठ, उठ, अबे ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान, समझा? उठ हिंदुस्तानी काफिर, उठ। बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर, ठंडा करता हूं तुझे। हट कभी नहीं, हट, दिखा गर्मी, हट। ऊंट है जो हिंदुस्तान आता जाता रहता है। जी जनाब, ये ऊंट रन को पार करना अच्छी तरह जानता है। तो ठीक है, ये आशिक के जनाजे को सही सलामत उसके घर तक पहुंचा देगा। आरडीएक्स पहुंचेगा हिंदुस्तान के गद्दारों के नाम, संतराम। भेज दो इसे। संतराम, क्या मिला? हाँ, क्या मिला इसके पास? वो सर, वो आरडीएक्स मिला इसके पास से। आरडीएक्स? जी सर। उठाओ इसे। जान महल का बेटा बेहोश है, इसके पास आरडीएक्स कहाँ से आया? खैर, इसकी हालत बहुत खराब है, इसे अस्पताल ले चलो, पूछताछ बाद में करेंगे।